ओम शांति। मुरली का तारीख है 24/5/2019। मीठे बच्चे, बाप जो सुनाते हैं वहां तुम्हारे दिल पर चप जाना चाहिए। तुम यहाँ आए हो सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने, तो धारणा भी करनी है। प्रश्न, सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? उत्तर, जैसे गर्मी में पंखे चलाते हैं तो रिफ्रेश कर देते हैं, वैसे सदा स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो रिफ्रेश रहेंगे। बच्चे पूछते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगता है? बाबा कहते, बच्चे 1 सेकेंड। तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है, क्योंकि इससे ही तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। स्वदर्शन चक्र फिराने वाले सूर्यवंशी बनते हैं। ओम शांति। पंखे भी फिरते हैं, सबको रिफ्रेश करते हैं। तुम भी स्वदर्शन चक्रधारी बन बैठते हो तो बहुत रिफ्रेश होते हो। स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं, तो उनको समझाना चाहिए। नहीं समझेंगे तो चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी को निश्चय होगा कि हम चक्रवर्ती राजा बनने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। कृष्ण को भी चक्र दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण कंबाइन को भी देते हैं, अकेले को भी देते हैं। स्वदर्शन चक्र को भी समझना है, तब ही चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बात तो बहुत सहज है। बच्चे पूछते हैं, बाबा स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगेगा? बच्चे 1 सेकेंड। फिर तुम बनते हो विष्णुवंशी। देवताओं को विष्णुवंशी ही कहेंगे। विष्णुवंशी बनने के लिए पहले तो शिववंशी बनना पड़े, फिर बाबा बैठ सूर्यवंशी बनाते हैं। अक्षर तो बहुत सहज है, हम नए विश्व के सूर्यवंशी बनते हैं। हम नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी सो विष्णुवंशी बनने में 1 सेकेंड लगता है। बनाने वाला है शुबाबा। शुबाबा विष्णुवंशी बनाते हैं और कोई बना ना सके। या तो बच्चे जानते हैं विष्णुवंशी होते हैं सत्युग में, यहां नहीं, या है विष्णुवंशी बनने का युग। तुम यहाँ आते ही हो विष्णुवंशी में आने लिए, जिसको सूर्यवंशी कहते हो। ज्ञान सूर्यवंशी अक्षर अच्छा है। विष्णुता सत्युग का मालिक, उसमें लक्ष्मी नारायण दोनों है। यहाँ बच्चे आए हैं लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णुवंशी बनने के लिए। इसमें खुशी भी बहुत होती है। नई दुनिया नई विश्व में गोल्डन एज विश्व में सूर्यवंशी विष्णुवंशी बनना है। इससे ऊंच पद और है नहीं, इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। प्रदर्शनी में तुम समझाते हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यहाँ है,
बोलो, यहाँ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट इस चित्र में है। बच्चों को यहाँ बुद्धि में रखना चाहिए कैसे लिखे, जो बच्चों को समझाने में एक सेकंड लगे तुम ही समझा सकते हो। इनमें भी लिखा हुआ है हम विष्णुवंशी देवी देवता थे, जरूर अर्थात देवी देवता कुल के थे, स्वर्ग के मालिक थे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे भारत में, तुम आज से 5000 वर्ष पहले सूर्यवंशी देवी देवता थे। बच्चों को अब बुद्धि में आया है। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं, हे बच्चों, तुम सतयुग में सूर्यवंशी थे। शिव बाबा आया था सूर्यवंशी घराना स्थापन करने, बरोबर भारत स्वर्ग था। यही पूज्य थे, पुजारी कोई भी नहीं थे, पूजा की कोई सामग्री नहीं थी। इन शास्त्रों में ही पूजा की रसम रिवाज आदि लिखी हुई है। यहाँ है सामग्री। तो बेहद का बाप शिव बाबा बैठ समझाते हैं, वहाँ है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनको वृक्षपति अथवा बृहस्पति भी कहते हैं। बृहस्पति की दशा ऊंचे ते ऊंच होती है। वृक्षपति तुमको समझा रहे हैं, तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बने हो। जो देवताए निर्विकारी थे फिर वहां कहां गए, जरूर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरेंगे। तो एक एक अक्षर नोट करना चाहिए दिल पर या कागज पर, या कौन समझाते हैं शिव बाबा, वही स्वर्ग रचते हैं। शिव बाबा ही बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप बिगर और कोई दे ना सके। लौकिक बाप तो है देहदारी, तुम अपने को आत्मा समझ पारलौकिक बाप को याद करते हो बाबा। तो बाबा रिस्पॉन्ड करते हैं, हे बच्चों, तो बेहद का बाप हो गया ना। बच्चों तुम सूर्यवंशी देवी देवता पूज्य थे, फिर तुम पूजारी बने। यहाँ है रावण राज्य, हर वर्ष रावण को जलाते हैं, फिर भी मरता ही नहीं है। 12 मास के बाद फिर रावण को जलाएंगे, गोया सिद्ध कर दिखलाते हैं हम रावण संप्रदाय के हैं। रावण अर्थात 5 विकारों का राज्य कायम है। सतयुग में सभी श्रेष्ठाचारी थे, अभी कलयुग पुरानी भ्रष्टाचारी दुनिया है। यह चक्र फिरता रहता है। अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मावंशी संगम युग पर बैठे हो। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम ब्राह्मण हैं, अभी शूद्र कुल के नहीं है। इस समय है ही असुरी राज्य। बाप को कहते हैं, हे दुख हरता सुख करता, अब सुख कहाँ है सतयुग में, दुख कहाँ है? दुख तो कलयुग में है। दुख हरता सुख करता तो है ही शिव बाबा, वहां वर्षा देते ही है सुख का। सतयुग को सुखदाम कहा जाता है।
वहन दुख का नाम नहीं। तुम्हारा आयु भी बड़ी होती है, रोने की दरकार नहीं। समय पर पुरानी काल छोड़ दूसरी ले लेते हैं, समझते हैं अब शरीर बूढ़ा हुआ है। पहले बच्चा सतोगुणी होता है, इसीलिए बच्चों को ब्रह्म ज्ञानी से ऊंच समझते हैं, क्योंकि वहां तो फिर भी विकारी गृहस्थी से सन्यासी बनते हैं, तो उनको सब विकारों का पता है। छोटे बच्चों को तो यह पता नहीं रहता है। इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है, भ्रष्टाचारी राज्य है, श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं का राज्य सत्युग में था, अभी नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी, श्रेष्ठाचारी कौन बनावे? यहां तो एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं, इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए। यहां है ही पारस बुद्धि बनने का युग, बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे, सत बाप के सिवाय बाकी दुनिया में है ही कुसंग। बाप कहते हैं मैं संपूर्ण निर्विकारी बनाकर जाता हूं, फिर संपूर्ण विकारी कौन बनाते हैं? कहते हैं हम क्या जाने, अरे निर्विकारी कौन बनाते हैं? जरूर बाप ही बनाएंगे, विकारी कौन बनाते हैं? या किसी को पता नहीं है, बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, रावण राज्य है ना। कोई का बाप मर जाता है, पूछो कहां गया, कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अच्छा तो इनका मतलब नरक में ताना, तो तुम भी नरकवासी ठहरे ना। कितना सहज है समझाने की बात, अपने को कोई भी नरकवासी समझते नहीं है। नरक को वैश्यालय, स्वर्ग को शिवालय कहा जाता है। आज से 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। पुनर्जन्म सबसे जाति तुमने लिया है, इसके लिए ही गायन है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तुमको याद है तुम पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए, फिर 84 जन्म ले पतित बने हो, अब फिर पावन बनना है। पुकारते भी है ना, पतित पावन आओ, तो सर्टिफिकेट देते हैं कि एक ही सतगुरु सुप्रीम आकर पावन बनाते हैं। खुद कहते हैं इनमें बैठकर मैं तुमको पावन बनाता हूं। बाकी 84 लाख योनियां आदि है नहीं, 84 जन्म है। इन लक्ष्मी नारायण की प्रजा सत्युग में थी, अब नई है, कहां गई? इनको भी 84 जन्म लेना पड़े। जो पहले नंबर में आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं, तो फिर पहले वहां जाने चाहिए। देवी देवताओं की वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होती है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य मस्ट रिपीट, बाप तुमको लायक बना रहे हैं। तुम कहते हो हम आए हैं
इस पाठशाला व यूनिवर्सिटी में जहां हम नरसे नारायण बनते हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट या जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही पास होंगे, जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रजा में कोई बहुत साहूकार बनते हैं, कोई कम, या राजधानी बन रही है। तुम जानते हो हम श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं, श्री श्री शुभाबा की मत पर श्री लक्ष्मी नारायण वहां देवी देवता बनते हैं, श्री माना श्रेष्ठ। अब किसको श्री नहीं कह सकते, परंतु यहाँ तो जो आएगा सबको श्री कह देंगे, श्री फलाना। अब श्रेष्ठ तो सिवाय देवी देवताओं के और कोई बन नहीं सकता, भारत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठता। रावण राज्य में भारत की महिमा ही कलास कर दी है, भारत की महिमा भी बहुत है तो निंदा भी बहुत है। भारत बिल्कुल धनवान था, अब बिल्कुल कंगाल बना है। देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। देवताओं को तो कहते हैं परंतु वह रहम दिल तोड़े ही थे। रहम दिल तो एक को ही कहा जाता है जो मनुष्य से देवता बनाते हैं। अभी वह तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, गारंटी करते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे और साथ ले जाऊंगा, फिर तुमको नई दुनिया में जाना है। यहाँ 5000 वर्ष का चक्र है, नई दुनिया थी सो फिर जरूर बनेगी, दुनिया पतित होगी फिर बाप आकर पावन बनाएंगे। बाप कहते हैं पतित रावण बनाते हैं, पावन मैं बनाता हूं। बाकी या तो जैसे गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, उनको या पता नहीं कि रावण को 10 शीश क्यों देते हैं, विष्णु को भी 4 बुझा देते हैं, परंतु कोई ऐसा मनुष्य तोड़े ही कभी होता है। अगर 4 बुझा वाला मनुष्य होता तो उससे जो बच्चा पैदा होता वहां भी ऐसा होना चाहिए। यहाँ तो सबको 2 बुझा है, कुछ भी जानते नहीं, भक्ति मार्ग में शास्त्र कंट कर लेते हैं। उन्हों के भी कितने फॉलोअर्स बन जाते हैं, कमाल है। या तो बाप ज्ञान की अथॉरिटी है, कोई मनुष्य ज्ञान की अथॉरिटी हो ना सके। ज्ञान का सागर तुम मुझे कहते हो, ऑलमाइटी अथॉरिटी या बाप की महिमा है। तुम बाप को याद करते हो तो बाप से ताकत लेते हो, जिससे विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम समझते हो हमारे में बहुत ताकत थी, हम निर्विकारी थे, सारे विश्व पर अकेले राज्य करते थे, तो ऑलमाइटी कहेंगे ना, या लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे, या माइट उन्हों को कहां से मिली, बाप से। ऊंच से ऊंच भगवान है ना, कितना सहज समझाते हैं। या 84 के चक्र को समझना तो सहज है ना, जिससे ही तुमको बादशाही मिलती है। पतित को
विश्व की बादशाही मिल ना सके। पतित तो उनों के आगे झुकते हैं, समझते हैं हम वक्त है, पावन के आगे माता टेकते हैं, भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलता है। अभी तुमको भगवान मिला है, भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, भक्ति का फल देने आया हूँ। गाते भी हैं भगवान किसी ना किसी रूप में आएंगे। बाप कहते हैं मैं कोई बैलगाड़ी आदि में तोड़े ही आऊंगा, जो ऊंचते ऊंचता फिर 84 जन्म पूरे किए हैं उनमें ही आता हूं। उत्तम पुरुष होते हैं सत्युग में, कलयुग में है कनिष्ठ तमो प्रदान। अभी तुम तमो प्रदान से सतो प्रदान बनते हो, बाप आकर तमो प्रदान से सतो प्रदान बनाते हैं। या केल है, इसको अगर समझेंगे नहीं तो स्वर्ग में कभी आएंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, एक बाप के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, कुसंग से दूर रहना है। सेकंड पॉइंट, सदा इसी खुशी में रहना है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। शुबाबा आए हैं हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनाने, हमारा लक्ष्य ही यहाँ है। वरदान निमित्त कोई भी सेवा करते, बेहद की रुचि द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवादारी भव। अब बेहद परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लाओ। ऐसे नहीं कर तो रहे हैं, इतना बिजी रहते हैं जो टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद के सहयोगी बन सकते हो। सिर्फ वृत्ति बेहद में हो तो वाइब्रेशन फैलाते रहेंगे, जितना बेहद में बिजी रहेंगे तो जो ड्यूटी है वह और ही सहज हो जाएगी। हर संकल्प हर सेकंड श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करना ही, बेहद सेवादारी बनना ही। स्लोगन, शिव बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। अच्छा, ओम शांति।